दोस्तों, आप लोगों ने टाइटैनिक जहाज का नाम तो बहुत सुने होंगे। अपने दौर में यह जहाज सबसे बड़ा हुआ करता था। इस टाइटैनिक जहाज की लंबाई करीब 269.1 मीटर और चौड़ाई 28 मीटर के आसपास तक मानी जाती थी। 14 अप्रैल 1912 में रात के समय यह जहाज बर्फ के एक पहाड़ से टकराकर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूब गया था, जिसमें लगभग 1500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। इसी टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाने गई पनडुब्बी लापता हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लापता हुए पनडुब्बी में कुल 5 लोग सवार हैं, जिनमें 3 पेइंग गेस्ट, 1 पायलट और 1 कंटेंट एक्सपर्ट शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पनडुब्बी जब से लोगों को लेकर पानी के अंदर गई है, तब से उसकी कोई खबर या कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। हालांकि सर्चिंग टीम पनडुब्बी की तलाश में जुटी हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार बीते रविवार को पनडुब्की लगाने वाली इस पनडुब्बी से संपर्क टूट गया था और तब से इसकी तलाश जारी है। अमेरिका के कोस्ट गार्ड के अनुसार पनडुब्बी के डुबकी लगाने के 1 घंटा 45 मिनट बाद इस पनडुब्बी से संपर्क टूट गया था। अमेरिकी सरकारी एजेंसियां, अमेरिकी और कनाडा की नेवी और बहुत सी कंपनियां जो समुद्र की गहराई में जाकर इस खोज अभियान में जुड़ी हुई हैं, इस लापता पनडुब्बी में जो 5 लोग सवार थे उनमें से इंग्लैंड के एक बहुत बड़े उद्योगपति भी शामिल हैं, जिनका नाम हामिश हर्डिंग है। लगभग 58 साल के हैं और ये 3 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल कर चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय विमान ब्रोकरेज कंपनी एक्शन एविएशन के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने ही नामीबिया से 8 चीतों को भारत में लाने के लिए भारत सरकार के साथ सहयोग किया था। और न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार पाकिस्तान के कराची में स्थित एग्रो कारपोरेशन ने एक बयान में बताया है कि 48 साल के ब्रिटिश व्यवसायी शहजाद दाऊद और 19 साल के उनके बेटे सुलेमान भी इस पनडुब्बी में सवार थे। आपको बता दें कि टाइटैनिक का मलबा उत्तरी अमेरिका के समुद्र के सबसे करीबी बिंदु कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन्स से 700 किलोमीटर की दूर अटलांटिक महासागर में है। इस लापता पनडुब्बी में सवार लोगों को बचाने के लिए सिर्फ 96 घंटों तक का ही समय बताया जा रहा है। अगर 96 घंटों के अंदर इस पनडुब्बी को नहीं ढूंढा गया तो उसमें सवार लोगों की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, लापता पनडुब्बी ओशियन गेट कंपनी की टाइटन पनडुब्बी है, जो एक ट्रक के बराबर बड़ी है और उसमें 5 लोग सवार हैं। यह टाइटन पनडुब्बी का वजन लगभग 10,432 केजी तक है और ये 13,100 फीट की गहराई तक समुद्र में जा सकती है। समुद्री दुनिया में खोज करने वाली कंपनी ओशन गेट ने साल 2021 में अपना टाइटैनिक सर्वे एक्सपीडिशन प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें वे लोगों को पनडुब्बी में बिठाकर समुद्र में पड़ा टाइटैनिक का मलबा दिखाने लेकर जाती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस यात्रा के लिए लगभग एक व्यक्ति को $2.5 लाख का खर्च आता था, यानी प्रति व्यक्ति 2 करोड़ से अधिक, और इस यात्रा पर केवल 17 साल से ऊपर के लोगों को जाने की ही अनुमति दी जाती थी। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।